मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि सालों से इस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था। उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में योजना का फायदा मिलने वाला है। 1975 से योजना को स्वीकृति करने को लेकर प्रक्रिया चल रही थी। प्रधानमंत्री जब कुमाऊं दौरे पर आए थे तभी भी उन्होंने योजना को मंजूरी देने के लिए मांग की थी, जबकि 10% बजट राज्य सरकार खर्च करेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी MOU किया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश भी योजना के खर्च का वहन करेगा। बिजली मिलने के साथ सिंचाई के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जमरानी बांध परियोजना जिसको 2 दिन पहले भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, निश्चित रूप से यह परियोजना बहुत लंबे समय से लंबित थी और लंबे समय से पूरे क्षेत्रवासियों को, तराई भावर के लोगों को और तराई भावर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों को इस योजना के स्वीकृत हो जाने से बहुत लाभ मिलने वाला है। जहां तराई भावर की हल्द्वानी, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर समेत अनेकों जिलों को पेयजल और सिंचाई इसके जो कमी है वो कमी समाप्त होगी।